आज हम बनाएंगे रसमलाई, वो भी प्रेशर कुकर में। मार्केट से भी कई गुना ज्यादा अच्छी और सस्ती। जब भी हम मार्केट से रसमलाई लाते हैं वो काफी कॉस्टली मिलती है, लेकिन आज हम 1 लीटर दूध से 50 के करीब रसमलाई यहाँ पर बना के करेंगे तैयार। तो आज हम बना रहे हैं अंगूरी रसमलाई, जिसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। 5 मिनट में हमारी ढेर रसमलाई यहाँ पर बन के हो जाएगी तैयार। और एक बार आपने इस तरह से रसमलाई बना के तैयार कर ली तो यकीन मानिए आप बाहर से लाना तो बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ये स्वादिष्ट इतनी बनती है, उसके साथ ही बहुत ही कम कॉस्ट में बनती है। 50 रुपए में आपको यहाँ पर 50 रसमलाई खाने को मिलेंगी। तो है ना इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, कोई भी घाटे वाला सौदा नहीं है। तो हाँ, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और उम्मीद है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे वीडियो देखने के बाद। वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं एक कढ़ाई, जिसे गैस पर रख देंगे, जिसमें हम ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। तो यहाँ पर मैं बफेलो का दूध ले रही हूँ और फुल फैट यहाँ पर आपको दूध का इस्तेमाल करना है, जिससे छेना काफी ज्यादा निकलता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगी, अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप इसके लिए काउ मिल्क का यूज करें, इससे छेना काफी अच्छा निकलता है, उसमें फैट भी बहुत ही कम होता है। तो अब हमें क्या करना है, धीमी धीमी आंच पर पहले सबसे पहले हम दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद गैस को कर देंगे हाई फ्लेम पर और हल्के हल्के हाथों से हम इसे चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, दूध तले पर लगेगा नहीं और देखिए दूध में अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो चुका है। उसके बाद गैस को बंद करना है और इसमें ऐड करना है विनेगर। विनेगर को आप पानी के साथ हल्का सा डाइल्यूट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने आधी क्वांटिटी पानी की ली है और आधी यहाँ पर ली है विनेगर की। इसे अच्छे से डाल के हम इसमें मिक्स करते जाएंगे, धीमे धीमे आपको मिक्स करना है, बहुत ही हल्के हाथों से, ज्यादा तेज हाथों से इसे नहीं करना है। अभी आप देखेंगे जब इसे कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे तो आप देखना शुरू करेंगे यहाँ पर ये जो दूध है ये कर्डल होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर विनेगर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पे दूध का भी इस्तेमाल, सॉरी, इसकी जगह पर आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा दूध है ये कर्डल हो चुका है। अब चलते हैं कढ़ाई को लेकर, हम डायरेक्टली एक कपड़े पे छेना निकाला है हमने ये डाल देंगे, और इसके नीचे मैंने एक स्ट्रेनर रख लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से 3 पानी से, ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे, जिससे क्या होगा जो सिरके का खट्टापन होगा वो सब निकल जाएगा और छेना जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से पानी को हमें निचोड़ लेना, जितना पॉसिबल हो सके आपको यहाँ पर इसका पानी निकाल देना है। और निकालने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए दबा के रख देंगे किसी हैवी बॉटम चीज के नीचे। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक परात पर इसे निकाला है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम यहाँ पर हमें जो छीना है ड्राई सा मिल चुका है। अब आपको ये हलवाई वाली ट्रिक मैं बता रही हूं, जब भी आप छेने को मसले तो आप इसे पाम यानी कि गतेली की हेल्प से ही मसले। हल्का हल्का सा आप देखेंगे जब इसे मसलेंगे तो हाथों पर घी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, बस आपको तभी तक इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी वो भी रेसिपी जहां पर मैंने रसमलाई बनाई है मिक्सी में, वो भी बहुत आसान ट्रिक है, उसमें आपको इस तरह से हाथों की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप उस रेसिपी को जाके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनती है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस रेसिपी को जरूर देखिएगा। देखिए 2 से 3 मिनट आपको इसे हाथों से अच्छे से मसल के, जो इसका दाना है सारा दाना हमें इसका मसल लेना है काफी अच्छे से। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो नीचे एक लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अभी देख सकते हैं हाथों पे हल्का हल्का सा आपको ऑयल दिख रहा है, यानी कि ये अच्छे से मसल चुका है, हाथों पे आपको अच्छी सी शाइन दिख रही है। अब इसमें एक हलवाई वाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है कॉर्नफ्लावर। तो 1 लीटर मिल्क में यहाँ पर आपको 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, बहुत ज्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। ज्यादा ऐड करने से क्या हो जाता है कि जो रसमलाई है उसका फ्लेवर फिर आपको नहीं मिलता है, छेने जैसा टेस्ट नहीं आता है, बिल्कुल मुलायम सी रसमलाई बनती है, ऐसा लगता है कि आप कुछ अलग सी चीज खा रहे हैं और रसमलाई नहीं खा रहे हैं। तो बहुत ही लेस आपको यूज करना है और इसे डालने के बाद मसलना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं यहाँ पर इसे मिक्स कर रही हूँ। रसमलाई किसी की भी पहली बार में परफेक्ट नहीं बनती है, मैंने भी काफी बार बनाया है तो अब मुझसे जो रसमलाई है वो एकदम परफेक्ट बनने लगी है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको हर चीज में परफेक्ट बना देता है। 1 से 2 बार अगर आप ट्राई करेंगे आपकी नहीं बनती है तो आप फिर ट्राई कीजिए, इस रेसिपी को मेरे तरीके से जरूर बनेगी, एक बार
ट्राई करना बनता है तो प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। और अब देखिए थोड़ा सा पोर्शन हम ले लेंगे इसमें से और हल्का सा सरफेस पर रखेंगे और इस तरह से हाथों पर रोल कर लेंगे। छोटी रसमलाई यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आप अपने साइज की बड़ी रसमलाई बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आज अंगूरी रसमलाई बना रही हूँ जो कि हम हलवाई के यहाँ से लेकर आते हैं और बहुत अच्छी लगती है खाने में सभी को। तो मैंने रसमलाई बनाई, मेरे घर में तो ये रेसिपी सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई। आप भी ट्राई करें, उनके लिए जिन्हें आप पसंद करते हैं कुछ स्पेशल सा या फिर जिसे मीठा खाना ज्यादा पसंद है उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। देखिए छोटे छोटे से पोर्शंस कट करके हम इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अंगूर के साइज के यहाँ पर बॉल्स बना लिए हैं और मेरे 1 लीटर मिल्क में यहाँ पर 45 से 50 बॉल बन के तैयार हो चुके हैं। आप गिन भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लाइव दिखा रही हूँ आपको, ये कोई बात नहीं है ऐसी कि मैं आपको बता कुछ और रही हूँ और बन कुछ और रहा है। अब आपको ले लेना है एक प्रेशर कुकर जिसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर पानी मैंने लिया है 1 लीटर, उसके साथ ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो 2 कप चीनी हम इसमें डालेंगे, 2 कप चीनी डालकर हम इसे बॉयल होने देंगे। धीमी आंच पर नहीं, हाई फ्लेम पर आपको इसे उबलने के लिए छोड़ देना है। इसमें थोड़ा सा हम नींबू का रस ऐड करेंगे, इससे क्या होगा ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं हमारे छेने। और प्रेशर कुकर में ये जो रसमलाई है ये बहुत ही कम समय में बन जाती है, इसलिए आपके साथ मैं आज ये थोड़ी सी सीक्रेट सी ट्रिक यूज कर रही हूँ। आप इसे जरूर बनाएं। प्रेशर कुकर में कुछ ऐसी टिप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आप प्रेशर कुकर में इसे बना रहे हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप स्किप कर दोगे या आगे चले जाओगे तो आपको नहीं समझ आएगा। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम वीडियो के बीच में आपसे शेयर करते हैं। एक इलायची डाल दी थी मैंने इसमें फ्लेवर के लिए और अच्छे से उबाल आने लग गया। 2 से 3 मिनट आप चाशनी को अच्छे से उबाल ले, हल्की सी चिपचिपी हो जाए तब आप इसमें एक एक करके जो छेना बॉल हमने बना के रखा था ऐड करते जाना है। और इस बात का ध्यान रखना है बॉल्स को आपको एक एक करके ही डालना है। इकट्ठा आपको कभी भी आप छेना या रसगुल्ला ट्राई करें तो इकट्ठा आपको सारे छेना इसमें ऐड नहीं करना है, इससे क्या होता है ये टूट सकते हैं। आप उबलते हुए पानी पर हाई फ्लेम पर एक एक करके छेना ऐड करें और इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से पकने दें। जब ये हल्के से फर्म हो जाते हैं तभी आपको इसकी सीटी लगानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से इसमें बॉयल आ रहा है और ये देखिए हल्के से ये फॉर्म हो चुके हैं। मैंने इसे अच्छे से देखिए कि स्पैचुला से उठाया है, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं और इसका साइज आप देख सकते हैं अभी से इंक्रीज होना शुरू हो गया है। तो जब हमने बॉयल बनाए थे वो काफी छोटे छोटे थे लेकिन अभी यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से बॉयल आ रहा है, मैंने इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाया है इसी तरह से और अभी से ये बढ़िया से फूल चुके हैं। अब इसे हम कर देंगे कवर और इसमें हम ले लेंगे 2 सीटी। बस आपको 2 सीटी लेनी है अपने कुकर के हिसाब से, आपके जितनी देर में भी 2 सीटियां आती हैं आपको यहाँ पर 2 सीटियां ले लेनी है और इसका प्रेशर आपको खुद से ही रिलीज होने देना है, खुद नहीं खोलना है। 2 सीटी हो जाने के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी, अब इसकी विसल खोल लेते हैं हम और अच्छे से खुल चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ये जो रसमलाई है इसका छेना यहाँ पर बन के हो गया है तैयार। साइज आप देख सकते हैं हमने काफी छोटे बनाए थे और यहाँ पर काफी बड़े साइज के छेने बन चुके हैं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए लुक एट इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, मार्केट से जरा भी कम नहीं लग रहा है कि हमने इसे घर पर बनाया है। 1 लीटर दूध से इतने सारे छेने बन जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कितनी महंगी रसमलाई बाहर से हम खरीद के लाते हैं। और जैसे ही आप छेना निकालेंगे इसे बर्फ के पानी में ऐड करना है, इसे हमें शॉक देना है। इससे क्या होता है आपका जो छेना स्पॉन्जी है ना वो इसी टिप से बनता है, इसी ट्रिक से बनता है। आप इसे अगर ऐसे ही डाल देंगे गरम गरम छेने को चाशनी में तो समझ लीजिए आपका छेना इस तरह से स्पॉन्जी नहीं बनेगा। और कुछ मिनट रखने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो छेना है कितना परफेक्टली अच्छे से फूल चुका है और जब पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे ये छेना नीचे बैठ गया, तो परफेक्टली आपका छेना बन चुका है। अब आप इसे शीरे में डाल लें और किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं अगर आप सिर्फ छेना यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो। इस तरह से आप रख ले, मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ इसलिए क्योंकि हम इसे फ्रिज में रखेंगे, इससे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। जब आगे हम इसकी रसमलाई बनाएंगे तो रसमलाई हमारी बहुत परफेक्ट बनेगी। छेना मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं अंदर से पूरा पक्का है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो आप अगर छेना खाना चाहें इस तरह से बना ले,
अब हम इसकी रसमलाई बनाएंगे और देखिए कितना परफेक्ट छेना यहाँ पर बनके हुआ है तैयार। वीडियो अगर पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो पर लाइक करना भूल जाते हो। एक पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसके साथ ही हम इसमें आधा लीटर दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर इसके लिए भी मैंने फुल फैट दूध का ही यूज किया है, इससे जो आपका छेने की जो आप दूध बना रहे हैं ना, इसमें फ्लेवर काफी अच्छा आता है। दूध पहले से मेरा उबला हुआ है, इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे और जैसे हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें से 2 चम्मच दूध निकाल के अलग कर लेंगे। इसका आगे हमें काम लगेगा, इसलिए अभी हम यहाँ पर दूध को निकाल रहे हैं। इसमें हम एक इलायची और ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप केसर डालना चाहें तो केसर भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा हम इसे मिक्स करेंगे और बॉयल आने देंगे। जब तक दूध उबलता है तब तक जो दूध हमने निकाला था इसमें हम ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। इससे आपकी जो रसमलाई है उसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हलवाई लोग इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तभी आपको जो इसका दूध है वो काफी टेस्टी लगता है जब आप रसमलाई खाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बार ही मिक्स कर ले अच्छे से, इसमें लंप नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। मिक्स करने के बाद इस दूध में हम इसे ऐड कर देंगे और बस दूध को हम उबलने देंगे। इस दूध को आपको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना होता है रसमलाई के लिए, हमें रबड़ी नहीं बनानी होती है, बस दूध ऐसा होना चाहिए जिसमें काफी टेस्ट हो और मजेदार सा दूध आपको यहाँ पर पका के कर लेना है तैयार। तो जैसे ही उबाल आएगा हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे, इससे दूध हल्का सा कड़ जाएगा जिससे स्वाद इसका बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं आप दूध में अच्छे से उबाल आ रहा है। अब यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है। मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना रही हूँ इसलिए इसमें यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी मैं बहुत कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मिल्क पाउडर में भी काफी मिठास होती है और हमारा जो छेना है वो भी चाशनी में पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने बहुत कम चीनी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर अपने मिठास के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। चीनी के डालते ही हम इसे अच्छे से पकाएंगे क्योंकि चीनी मेल्ट होती है। इसके साथ मैं थोड़ा सा इसमें पिस्ता ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो जरूर डालें। इसके साथ ही गुलाब की कुछ पत्तियां हम इसमें ऐड करेंगे, इसे बिल्कुल हलवाई वाला टेक्स्चर और लुक देने के लिए। आप देख सकते हैं दूध अच्छे से यहाँ पर पक रहा है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इस दूध से। अब इस दूध को हम 2 मिनट पकाएंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको भी आपको करना है पूरी तरह से ठंडा। दूध पकने के बाद आपको अच्छे से इसे क्या करना है, ठंडा करना है। तो अभी तो सर्दियां चल रही हैं, दूध अगर आप नॉर्मल भी रखेंगे तो ये ठंडा हो जाता है, इसे हम छोड़ देंगे। अब इस शीरे से हमें छेने बॉल्स को निकाल लेना है और आप देख सकते हैं फ्रिज में रखने के बाद जो छेना बॉल्स है इसने शीरा बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। तो एक एक करके मैं सारा छेना यहाँ पर निकाल लूंगी और आप लुक वाइज देख सकते हैं एकदम परफेक्ट छेना यहाँ पर बन के तैयार हुआ है। अब जो दूध था उसे भी मैंने ठंडा कर लिया था। अब इसके ऊपर हम एक थोड़ा थोड़ा करके दूध इस तरह से डालते जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो दूध है बहुत ज्यादा पतला दिख रहा है। आप जब भी रसमलाई बनाएं इसे 4 से 5 घंटों के लिए जरूर से जरूर फ्रिज में रखें, इससे आपकी रसमलाई बहुत अच्छे से दूध को ऑब्जर्व करती है और बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। तो हम इसे ओवरनाइट छोड़ेंगे फ्रिज में और उसके बाद देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है हमारी रसमलाई, एकदम सॉफ्ट। इसका जो छेना है वो बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप ढेरों अंगूरी रसमलाई घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने 1 लीटर दूध से यहाँ पर 50 रसमलाई बना के तैयार की है। तोड़ने से ही आप देख रहे हैं कितने स्पॉन्जी छेना बन के तैयार हुआ है और देखिए इसने दूध को भी काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। और आप इसे जब हल्का सा प्रेस करेंगे ये फिर से अपना शेप वैसे ही ले लेगी, बहुत नरम नरम बनके तैयार हुए हैं। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक